हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लोग आज एग्जाम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील्स होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्राइंडिंग क्या है? ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, और इसमें अब्रेसिव कर के द्वारा कटिंग की जाती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि एक कोई व्हील होती है और इस पर ये अब्रेसिव कर्व ऐसे ऐसे लगे होते हैं, नोकदार कर्व होते हैं, जो कि यही कटिंग करता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अब्रेसिव कर्व लगे होते हैं इस पर। तो इसमें क्यों सारे पॉइंट्स कट करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। और इसको अब्रेसिव कर बोलते हैं। ये जो है अब्रेसिव कर है। अब ये देखते हैं कि ये हमने ग्राइंडिंग व्हील बनाया, तो अब ग्राइंडिंग व्हील के बारे में देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील एग्जाम में ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बहुत पूछता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ग्राइंडिंग व्हील के बारे में चल रहा हूं कि ग्राइंडिंग व्हील ये हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या है? देखिए ये किस कैसे बना है। एक तो बना है एब्रेसिव कर से बना होगा, ये जो अब्रेसिव कर दिख रहा है ग्राइंडिंग व्हील में, और इसको बांधने वाला कुछ मैटर बने होंगे। तो पहले हम अब्रेसिव कर को भी देख लेते हैं क्या होता है अब्रेसिव कर। अब्रेसिव कर ही क्या करता है? इस मटेरियल को काटने का काम करता है। अगर जैसे हमारा कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर कुछ कटिंग करनी है तो इस पर आएगी, ऐसे मटेरियल इस पर भी ये लगा रहते हैं ऐसे, तो ये इस मेटल को स्मूथ करता है, कटिंग करता है, तो इसे फिनिशिंग भी कहते हैं, ये फिनिश भी करता है। तो अब्रेसिव कर्व कैसे कटिंग करता है ये आपने देखा है, इस पर चलेगा ऐसे, ग्राइंडिंग बढ़ता जाएगा, कटिंग करता जाएगा। अब अब्रेसिव कर्व कितने टाइप्स के होते हैं जो एग्जाम में आता है, मैं उतने ही चल रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्जाम का समय चल रहा है, इसलिए मैं एग्जाम में जो पूछा जाता है अब्रेसिव कर्व कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब्रेसिव कर्व दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। इसे बोलते हैं नेचुरल बोलते हैं, इसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब देखिए प्राकृतिक कण में कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक में हो जाएगा एमरी, हो जाएगा डायमंड, हो जाएगा, और कृत्रिम में क्या कौन सा होता है? एक होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड क्या करता है, ये इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और ये मुलायम जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जैसे ब्रास हो गया, ब्रांज हो गया, और इसको कटिंग करता है, और ये हार्ड मटेरियल को कट करता है। हार्ड मटेरियल जैसे हाई स्पीड स्टील हो गए, सेरामिक हो गया, इसको कटिंग करने के लिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। और थर्ड है इसे देखिए डायमंड है, पर कृत्रिम जब डायमंड बनाते हैं, खुद जब प्रयोगशाला में डायमंड बनाएंगे तो हमारा ये आर्टिफिशियल कृत्रिम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हम देखे कि इसमें बार बार एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पूछा जाएगा एब्रेसिव कर में ये एमरी दे देगा, प्राकृतिक हो गया है या कृत्रिम है, तो आप जानिए कि एमरी प्राकृतिक है। ऐसे ही डायमंड पूछेगा तो प्राकृतिक है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है ये कृत्रिम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है ये भी कृत्रिम है, कृत्रिम डायमंड कहता है तो कृत्रिम बताएंगे, अगर डायमंड बोलता है तो प्राकृतिक बताएंगे। और ये पूछता है कि इसका स्ट्रेंथ कैसा है, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है और ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के होता है, हाई कार्बन स्ट्रेंथ सेरेमिक इसके लिए होता है, ये ब्रास ब्रांच के लिए होता है, ब्रास हो गया, ब्रांच हो गया, इनके कटिंग के लिए होता है। बस ये जाने सिलिकम साफ के लिए होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उससे हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए होता है। अब ये तो एब्रेसिव कर्व हो गया जो इस पर लगा हुआ है। अब हम इसको जो सटाते हैं, एक बांड मटेरियल होता है, इसको जब सटाते हैं तो एक बांड मटेरियल होता है।
सटाने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉन्ड का यूज करते हैं, बॉन्ड मतलब बंधक। अब बंधक ये इसको सटाने वाला, इसको मतलब चिपकाने के लिए जो भी कहिए वो होता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक तो विट्रीफाइड बॉन्ड है, बस इसका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉन्ड का सिंबल विट्रीफाइड है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका सिंबल भी है। और एक है सिलिकेट ब्रांड है, इसका सिंबल एस है। एक है सिलिक है, हम ज्यादा नहीं जा रहे क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसका सिंबल बताइए, इसका सिंबल बताइए। देखिए इसमें सिलिक आ रहा है तो इसको अगर लिखेंगे एस डबल ई का मात्रा आता, बड़ी का मात्रा है ना, तो बड़ी में ई आएगा, डबल ई आएगा, तो इसको हम ई से दर्शाते हैं। और फिर इसके बाद रबड़ का आता है बॉन्ड, रबड़ में क्या है आर से आ रहा है तो ये आर इसका सिंबल हो जाएगा। एक रेजिनाइड बॉन्ड आता है, शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं आगे यहां कर लेता हूं, रेजिनाइड बॉन्ड, रेजिनाइड, इसे देखिए नाइट का सिंबल दे रहा है, नाइट मतलब क्या अंधेरा, रात, और रात है तो रात में कैसा दिखेगा हमें, ब्लैक दिखेगा, तो इसको हम बीस दिखाते हैं। देखिए इसमें भी रॉ आ रहा है, इसमें भी रॉ आ रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी रॉ है तो इसमें भी रॉ है तो आर किसका है, तो रबर में तो आर कर लीजिए सीधे सीधे, और इसको आप रिलेट करिए नाइट से, नाइट मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब ब्लैक, ब्लैक का मतलब बी, तो इस तरह से ये अपना बॉन्ड हो गया। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, सबसे अधिक जो कटिंग करने के लिए हमें विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज करते हैं, और सिलिकेट क्या होता है उससे कम कटिंग के लिए होता है, इससे अधिक घिसता है ये। अब हम तीसरा आते हैं, ये तो आप नोट्स कर लीजिए, फिर हम आते हैं अब इसमें हमने देखा एब्रेसिव कट देखा, इसका बॉन्ड देखा, अब थर्ड है इसकी हार्डनेस, हार्डनेस को हम लोग स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। संरचना, अब संरचना क्या होता है, संरचना होता है कि जैसे कि ये देखिए दो टाइप्स की संरचना होती है, ये दूर दूर हो गए तो इस, और एक होता है संरचना इतना ही बड़ा लेते हैं, इसमें एब्रेसिव कार्ड जो होते हैं पास पास होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जो दूर दूर होता है यही बोलते हैं, एक ओपन टाइप होता है एक क्लोज टाइप होता है, मतलब खुली संरचना और एक होती है बंद संरचना। इसको खुली को आप कह लीजिए, ओपन टाइप भी होता है और इसका क्लोज हो जाएगा, इसको और एक और नाम बोलते हैं ओपन को ही, ओपन को तो ओपन बोलते हैं, इसको एक डेंस बोलते हैं, डेंस टाइप, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। देखिए ये डेंस है, इसकी जो घनत्व को मैंने दर्शाता है, ये इसके घनत्व को बताता है कि कौन पास पास है या दूर दूर है, तो ये घनत्व को दिखा रहा है, तो जो अधिक घनत्व है जो पास पास आ रहे हैं ये डेंस में आया है, और जो ये ओपन टाइप का है जिसका कि घनत्व कम है। अब देखिए इसको एक नंबर से दिखाया जाता है, बार बार पूछता है, एक से पंद्रह तक गिनती दे दी जाती है, इसमें एक दो तीन रहेगा, पूछेगा कौन किसके अंतर्गत है, तो इसमें देखिए ओपन में क्या होता है, ये नौ से पंद्रह तक होता है, और इसके लिए क्या होता है एक से आठ तक होता है, ये गिनती है, इसमें पूछा जाता है कि सात दे देगा, फिर ये पूछेगा कि किसके अंतर्गत है, तो आप बताएंगे सात ये क्लोज के अंतर्गत है। अब देखिए इसको याद करने का जो हम ट्रिक्स जो आपको बता रहे हैं, जैसे ओपन होता है, ओपन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज खुला है, मतलब खुले का मतलब क्या हो गया, अगर खुला है तो बड़ा हो गया, जैसे कोई चीज खुला है तो क्या कहेंगे उसे बड़ा कहेंगे, तो इस तरह से इसका नंबर क्या आ रहा है, ओपन का मतलब ये कोई बड़ा चीज से दिखा रहा है, जैसे कुछ नहीं होता है कि ओपन हुआ है तो मतलब ओपन है तो थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो खुद ही बंद है तो क्या होगा, बंद अगर मानसिकता के व्यक्ति का है वो छोटी छोटी समझ है, छोटी सोच है, तो उस तरह से हमारा ये नंबर छोटी आएगी, तो इससे आपने रिलेट करिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम बस यही पूछेगा कि इसका खुले टाइप कौन है,
वन टाइप के कौन से हैं। अब एक चीज और पूछा जाता है, ये कैसे मटेरियल के कट के लिए किया जाता है। देखिए इसके कड़ क्या है, बड़े बड़े हैं। अगर बड़े बड़े कड़ हैं, अगर ऐसे मटेरियल, तो ये क्या करेगा, अधिक मटेरियल काटेगा। तो अधिक से अधिक मटेरियल काटेगा, मतलब ये हैवी कट करता है, बहुत ज्यादा कट करता है। और इसका सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि कैसे मटेरियल कट करेगा, ये हैवी कट करेगा और सॉफ्ट और डक्टाइल के लिए करेगा। जबकि ये देखिए बंद है, बंद मतलब कि ये क्या है, बहुत पास पास है, तो ये स्मूथ कटिंग करता है, मतलब फिनिशिंग कट करता है, ये फिनिशिंग कट करता है। और कैसा करेगा, ब्रिटल मेटल को कट करेगा, ब्रिटल मेटल कट करेगा और हार्ड मेटल भी कट करेगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपीएन के अंतर्गत कौन सा 9 से 15, ये होता है, ये हैवी कट करता है, सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल के लिए यूज होता है, और ये बंद है तो ये इसका 1 से 8 तक होता है, और ये फिनिशिंग कट और मेटल और हार्डनेस के लिए कट करता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब एक होता है इसका, अब इसको मिटाते हैं, फिर मैं आगे और बताते हैं इसमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ग्रेन्स के बारे में देखते हैं। ग्रेन, ग्रेन क्या होता है, जैसे एक चलनी होती है, इस चलनी से हमारा कितना पार्टिकल पार कर जाता है। अगर ये चलनी है, इसमें से जितने पार्टिकल पार करते हैं उसी से इसका ग्रेन निर्धारित होता है। और ये बार बार पूछा जाता है कि कोर्ज मटेरियल होता है, एक नंबर में ही दिखाता है, एक कोर्ज होता है, एक मीडियम होता है, एक फिनिश मटेरियल होता है, एक वेरी फिनिश मटेरियल होता है। इसके लिए आपका ग्रेन नंबर, ये कोल्ड मेटल होता है, मीडियम हो गया, फिनिश हो गया, वेरी फिनिश, इसके लिए होता है 10 से, तो ये हो जाएगा 22, और ये होता है 30 से लेके 60 होता है, और ये होता है 80 से 180 होता है, और इसके लिए कितना होता है 220 से लेके 600 तक होता है। ये नंबर से दे देता है कि ये किसके लिए होगा। अगर 22 देता है तो कोल्ड मेटेरियल होगा, अगर यहाँ 40 देता है, इनके बीच में भी होगा, तो वो मीडियम मेटेरियल के लिए होगा, ये फिनिश अगर मेटेरियल करना है तो 80 से इसके बीच में होगा। तो यही नंबर्स पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो आप ये देखिए, अगर कोल्ड मेटेरियल है तो एक कोल्ड में क्या 10 से 22 पार्टिकल ही चलनी से पार हो रहे हैं, मतलब कि क्या बड़े बड़े कण होंगे, तभी तो 10 से 12 ही हो रहे हैं। परंतु अगर 220 से 600 के बीच में अगर इस चलनी से पार हो रहा है मेटेरियल, तो वेरी फाइन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्मूथ कट करने के लिए होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, अपना स्मूथ कट ले लेता है। पर ये देखिए बड़े बड़े मटेरियल है, ये क्या करता है, कोर्ज मटेरियल, मतलब बहुत बड़े बड़े मटेरियल काटता है, कोर्ज कट देता है, कोर्ज मटेरियल के लिए कट करता है। तो ये आप इसको भी याद रखेंगे कि बड़े है तो ये कोर्ज कट करेगा, और जो बहुत छोटे छोटे कट हैं तो वो स्मूथ मटेरियल कट करेंगे। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रेड को देखते हैं। अब देखिए ग्रेड क्या होता है, ग्रेड इसके सामर्थ्य को दिखाता है, इस बॉन्ड, इसका जो हम बॉन्ड के साथ सामर्थ्य होता है, इसके सामर्थ्य को ये ग्रेड दिखाता है। तो अगर इस मेटल को हम अच्छे से चिपकाए हैं तो उसका ग्रेड क्या होगा, अगर कम अच्छे से चिपकाए हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मुलायम ग्रेड्स हो जाएगा, एक मीडियम होता है, एक हार्ड ग्रेड्स होते हैं, एक हार्ड ग्रेड्स होता है, सब में ग्रेड लगा दीजिए, ग्रेड ग्रेड। अब देखिए इसको याद करने के लिए 8 अंकों में बांट दीजिए, ए से लेके एच तक जो होता है ये मुलायम में आते हैं, अंग्रेजी के अच्छे से लिखा जाए, ए से एच तक मुलायम हो जाएंगे। फिर आई से लेके 8 × 16 पी तक ये मीडियम हो जाएगा। फिर यहाँ Q से लेके Z तक ये हार्ड ग्रेड में आएंगे।
इसमें यह है कि इसकी जो सामर्थ होगी मतलब उसको पकड़ने की अधिक होगी, ये मुलायम होगा, तो ये ग्रेड पूछा जाता है। अब जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको समाहित करता है, इसका स्पेसिफिकेशन आता है। ग्राइंडिंग जो है दोस्तों, अब देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, ये बहुत पूछा जाता है और अब तक जितना भी पढ़ाए हैं सबको समाहित किया है। देखिए यही ग्राइंडिंग व्हील है, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन कंपनी ऐसे देती है, 36 ऐसे कर देगा, फिर ए लिख देगा, फिर कोई नंबर्स ले लेता है, फिर ऐसे दे देता है। अब पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अलग नंबर के बारे में पूछेगा, इस लेटर के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो अब तक हमने जो जो भी पढ़ा है सब इसी में है। देखिए पहले हम पढ़े क्या थे, अब्रेसिव पढ़े थे, तो ए क्या दिखाता है, अब्रेसिव को दिखाता है। अब्रेसिव में भी बताया थे कि वी कौन सा है, एस कौन सा है, बी कौन सा है, तो जस्ट इसके अंतर्गत अब्रेसिव आ जाता है, तो ए इसको दिखा रहा है। अगर वी कर देगा तो विट्रीफाइड वांट हो जाएगा। और फिर देखिए ये इसको ये दिखाता है, ग्रेन साइज को दिखाता है और ये हार्डनेस को दिखाता है। तो ऐसे ही है, तो हम इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, आप उसको देख के याद कर लीजिए, तो भूल जाता है। ये दोनों तो कंपनी का एक मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी खुद देती है कि इसका है, इसका है, कंपनी मैन्युफैक्चर है, द्वारा दिया जाता है। अब हम यहां से आप देखिए, यहां हम ट्रिक बता रहे हैं, आप ग्रेट हैं सर बहुत, हमने इसके बारे में बता दिया है, तो ये अब्रेसिव को दिखाता है, और से हो गया अब्रेसिव, ये क्या हो गया, ग्रेन साइज, एच से है, हाई से क्या हो गया, हार्डनेस, हार्डनेस किसको दिखा रहा है, ग्रेन को दिखा, ग्रेड को दिखा रहा है। हमने ग्रेड को क्या बताया था, वो हार्ड होता है, ये हार्डनेस को कौन डिफाइन करता है, ग्रेड डिफाइन करता है। और एस चार क्या है, चार स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर किसको दिखा रहा था, ये स्ट्रक्चर चार से स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और भी किसको दिखा रहा है, बॉन्ड को दिखा रहा है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आप ग्रेट हैं सर बहुत, इसमें ये अब्रेसिव को दिखाएगा, एक फाइव जो है ग्रेन साइज को दिखाएगा, एच किसको, हार्डनेस को दिखा रहा है, फोर किसको दिखा रहा है, स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, फाइव किसको दिखा रहा है, बॉन्ड को दिखा रहा है। तो और ये देखिए, इसको याद करने का एक और सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, पहले एक आ क्या आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, फिर एक अंक आ रहा है, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, फिर ये अल्फाबेट, अब उसके बीच में अंक आ रहा है। तो ये भी याद रखिए, देखिए एक एक पहले अल्फाबेट है, फिर छोड़ के फिर अल्फाबेट है, फिर छोड़ के एक छोड़ के फिर अल्फाबेट है, तो ऐसे ही आते हैं। तो इस तरह से आप ये ट्रिक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से हमने आज ग्राइंडिंग की टॉपिक को देखा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इसी बेस पर पूछे जाते हैं। तो ये आज की टॉपिक ग्राइंडिंग की खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।